दोस्तों स्वागत है आपका चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल 2019 से पहले यहां पर एक बुरी खबर आ रही है। क्या है वो बुरी खबर आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों 23 मार्च से आईपीएल 2019 की स्टार्टिंग होने वाली है, जिसमें अब काफी कम दिनों का जो है वो वक्त रह चुका है। ऐसे में सभी देशों के जो प्लेयर हैं वो इंडिया में आना चालू हो चुके हैं, जहां पर हमने कल देखा जहां पर डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और भी दोस्तों इंग्लैंड के कई प्लेयर जो है वो इंडिया में आते हुए हमें दिखाई दिए। लेकिन यहां पर दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग, साथ ही साथ मुंबई इंडियंस के लिए एक छोटी सी बुरी खबर जो है वो आ रही है, और वो खबर ये कि दोस्तों साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को जो है अभी तक उनके बोर्ड ने रिलीज नहीं किया है आईपीएल 2019 में खेलने के लिए। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीकन प्लेयर जो है कोई भी अभी तक इंडिया नहीं आया है और अभी तक उनकी जो बोर्ड है उन्होंने उन अपने प्लेयर्स को जो है वो रिलीज नहीं किया है। रीजन की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका की जो टीम है उनको दोस्तों श्रीलंका से अभी T20 सीरीज खेलनी है, जो कि साउथ अफ्रीका में ही होने वाली है, और इसी वजह से दोस्तों यहां पर साउथ अफ्रीकन जो बोर्ड है उन्होंने अपने प्लेयर को रिलीज नहीं किया है। बात करें दोस्तों इस सीरीज की, तो 24 मार्च को आखिरी T20 मैच खेला जाएगा और अगर सारे प्लेयर वहां पर अवेलेबल रहते हैं तो ऐसे में अपनी टीम का आईपीएल 2019 का पहला मैच वो मिस कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें तीनों टीमों की, तो यहां पर दिल्ली कैपिटल्स को सबसे बड़ा झटका लगेगा, जहां पर रबाडा और मॉरिस, दो बड़े साउथ अफ्रीकन प्लेयर इनके स्क्वाड में शामिल है, तो पहले मैच में अगर ये नहीं खेलते तो दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग की, तो इनके पास फाफ डुप्लेसिस है जो कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, वहीं मुंबई इंडियंस में है दोस्तों क्विंटन डिकॉक जो कि इनके ओपनर है और ये भी बहुत ही बड़े प्लेयर है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर जो है वो निकल कर आ रही थी आईपीएल 2019 से पहले, जहां पर आपको बता दे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को अभी तक उनके बोर्ड ने रिलीज नहीं किया है, कब तक रिलीज करेगी इसका भी कोई अभी सूचना नहीं है। जैसी कोई खबर आएगी दोस्तों हम आपको जरूर बताएंगे। आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।